नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SPDL टिप्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप Facebook से स्टोरी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऐसी वेबसाइट विजिट करनी है जिससे आप वो स्टोरी डाउनलोड कर सके। ये दोस्तों जो भी तरीका बताऊँगा ये आप अपनी फेसबुक ऐप से ही कर सकते हैं और उसी से ही अपनी गैलरी में सभी स्टोरियों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको फेसबुक लाइट ऐप यूज़ नहीं करना है, जो फेसबुक की ऑफिशियल एप्लीकेशन है सिर्फ वही यूज़ करनी है। तो चलिए हम जैसे फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं फ्रेंड, जस्ट उसके बाद हमारी क्रिएट स्टोरी के बगल में जो भी स्टोरी आपको देखने को मिल रही है, अगर आप इनमें से किसी भी स्टोरी को अगर डाउनलोड करना चाहें तो सिंपली आप उस स्टोरी पर टैप कर दीजिए। जस्ट उसके बाद आपको राइट साइड के टॉप पर यहाँ पर एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है। सिंपली इस 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको फेसबुक द्वारा एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव वीडियो का। सिंपली आप इस सेव वीडियो पर क्लिक कर दीजिए और आप इसको दोबारा से सेव कर दीजिए। तो इतना करने के बाद दोस्तों ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इसकी नेक्स्ट स्टोरी को डाउनलोड करना चाहें तो चलिए हम इसकी नेक्स्ट स्टोरी, अगर हम इस दूसरी स्टोरी को भी डाउनलोड करना चाहें तो फिर से आप इस सेव वीडियो पर क्लिक कर दीजिए तो ये भी वीडियो हमारी गैलरी में आसानी से डाउनलोड हो गया। उसके बाद अगर आप और किसी पर्सन की डाउनलोड करना चाहें तो सिंपली आप सिर्फ यही तरीका अपनाइए, सिंपली उसकी स्टोरी पे क्लिक करिए और उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करिए और इस सेव वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आपके सामने 3 स्टोरियाँ डाउनलोड करके दिखाई है बिल्कुल लाइव। इसके लिए मैंने कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं की, जो फेसबुक की ऑफिशियल एप्लीकेशन है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और हम अपनी गैलरी में जाते हैं। तो यहाँ पर अपना हमने मोबाइल अपनी गैलरी ओपन कर ली है। जस्ट उसके बाद हम एल्बम में जाएंगे और उसके बाद हम आल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक तो ये स्टोरी अभी ये डाउनलोड की थी और उसके बाद दूसरी स्टोरी ये डाउनलोड की थी। और उसके बाद हमने एक ये स्टोरी डाउनलोड की थी। यहाँ पर आपको जो 3 स्टोरी मैंने डाउनलोड की थी वो यहाँ पर आपको। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी फेसबुक की स्टोरी को बिल्कुल बिना किसी ऐप के, बिना किसी वेबसाइट के आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपकी फेसबुक स्टोरी में ये सेव वीडियो का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप एक बार अपनी फेसबुक ऐप को अपडेट जरूर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी मुझे क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।